हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना अकेडमी और इस वीडियो में हम सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वाइटमिन एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस से ये सारे क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जरूर देखे होंगे और आगे भी ये किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको ज़रूर मिलेंगे तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें और मेरे साथ इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है डेफिशियसी ऑफ वाइटमिन ई कॉजेज वाइटामिन ई की डेफिशियंसी से कौन सी बीमारी होती है तो स्टेरिलिटी इज कॉज्ड बाय ड्यू टू डेफिशियंसी ऑफ वाइटामिन ई सेकेंड क्वेश्चन इज ब्लीडिंग गम्स इज जनरली एसोसिएटेड विद ऑफ वाइटामिन ब्लीडिंग गम्स किस वाइटामिन uh, की डेफिशिएंसी से होता है तो ब्लीडिंग गम वाइटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है और इस डिजीज को बोलते हैं स्कर्वी तो इस डिजीज इस डेफिशिएंसी uh, डिजीज को बोलते हैं स्कर्वी और अगर आपको ये डेफिशिएंसी डिजीज खत्म करनी है तो आपको अपनी डाइट में क्या इंक्लूड करना पड़ेगा वाइटमिन सी रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स लेमन uh, ऑरेंज ये सब चीज़ें तो अगर आप इन्हें अपनी रेगुलर डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपको स्कर्वी नामक डिजीज़ नहीं होगी जिसका सिम्टम है ब्लीडिंग गम्स तो हमने इस क्वेश्चन से कई सारी चीजें और एक्सप्लेनेशन में देख ली क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमेंबरिंग ड्रीम ड्रीम्स रिमेंबर करने के लिए कौन सा वाइटमिन इंपॉर्टेंट है वाइटामिन डी सिक्स क्वेश्चन नंबर फोर वाइटमिन डी इज आल्सो नोन एज तो वाइटमिन डी को हम क्या बोलते हैं कैल्सिफेरॉल और इसकी कमी से या इस वाइटमिन की कमी से क्या होता है रिकेट्स ठीक है तो इस वाइटमिन को और क्या इसका अदर नाम क्या है सनशाइन वाइटमिन भी हम इसे कहते हैं ठीक है चीके? तो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर फाइव वाइटामिन बी सिक्स इज ऑल्सो नोन एज वाइटामिन बी सिक्स का अदर नेम क्या है तो पायरेडोक्सिन इज द अदर नेम ऑफ वाइटामिन बी सिक्स एसिड इज एस्कॉर्बिक एसिड एक्चुअली में क्या है वाइटामिन है तो हम एस्कॉर्बिक एसिड एक्चुअली में एस्कॉर्बिक uh, एसिड क्या है वाइटामिन सी के लिए हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है क्वेश्चन नंबर एट डेफिशियमिन बी ट्वेल्व रिजल्ट इन विटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी से होता है परनीशियस एनीमिया सिकल सेल एक जेनेटिक डिसऑर्डर है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर सॉल्युबल इन वाटर तो जितने भी वाइटाम्स हैं हम उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं फर्स्ट इज वाटर सोल्यूबल वाइटामिन एंड सेकेंड इज फैट सोल्यूबल वाइटामिन वाटर सोल्यूबल वाइटामिन में आता है वाइटामिन बी एंड सी एंड फॉर फैट सोल्यूबल वाइटामिन में आता है ए डी ई एंड के अगर ये वाटर सॉलिबल विटामिन की बात करें तो ये थ्रू यूरिन बॉडी से रिलीज हो जाते हैं इसीलिए हमें इसे रेगुलरली अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए अदरवाइज इसकी डेफिशिएंसी से आपको बीमारी होगी जैसे विटामिन बी की डेफिशिएंसी से आपको बेरी बेरी होगा और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से आपको स्कर्वी हो सकता है ठीक है तो अब आपको ये ये वाले जो हैं ये डेली इन फ्रूट्स uh, में इंक्लूड करने चाहिए जिन फ्रूट्स में भी ये वाइटामिन पाए जाते हैं और फैट सोल्यूबल वाइटमिन आपके एडिपोज टिश्यू में या फैट स्टोरिंग टिश्यूज़ में स्टोर हो जाते हैं तो ये आपको अपनी डेली डाइट में डालने की ज़रूरत नहीं है तो इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी वाइटामिन बी एंड सी दीज आर फैट सोल्यूबल वाइटामिन क्वेश्चन नंबर टेन विच वन इज वाटर सोल्यूबल वाइटमिन तो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन कौन सा है वाइटामिन सी वाइटामिन सी इज़ अ वाटर सोल्यूबल वाइटमिन नेक्स्ट क्वेश्चन द डिजीजेस दैट आर कॉज्ड बाय लैक ऑफ वाइटमिनस वाइटमिनस की लैक से कॉज होने वाली डिजीजेस को हम क्या बोलते हैं डेफिशियंसी डिजीजेस और जो डिजीजेस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस एपिडेमिक महामारी एंड ट्रॉपिकल डिजीजेस ट्रॉपिक से रिलेटेड डिजीजेस फिर है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व सनशाइन वाइटमिन किसका नाम है सनशाइन वाइटमिन है वाइटमिन डी का नाम जो अभी हमने कुछ देर पहले देखा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर द इज़ यूजफुल इन ब्लड ब्लड क्लॉटिंग क्लॉटिंग के लिए आ, जो वाइटामिन है वो है वाइटामिन के इंपॉर्टेंट वाइटामिन वाइटमिन के फिर है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन बैरी बैरी किस वाइटामिन की डेफिशिएंसी से होता है तो बेरी बेरी वाइटामिन बी की डेफिशिएंसी से होता है ठीक है तो वाइटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या था अभी हमने जो पीछे क्वेश्चंस दिखे नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन बी की डेफिशिएंसी से बैरी बैरी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इज डेफिशिएंसी डिजीज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए क्वेश्चन नंबर डी डेफिशिएंसी लीड्स टू डेफिशियंटी डी डेफिशिएंसी किस डिजीज को लीड करती है रिकेट्स ये अभी हमने डिस्कस किया जिसमें बोन्स वीक हो जाती हैं एंड सेवनटीन क्वेश्चन इज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एसिमुलेशन विल डिपेंड ऑन सफिशियन इनका बॉडी में एब्जॉर्प्शन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का बॉडी में एब्जॉर्प्शन किस वाइटामिन पे डिपेंड करता है तो वाइटामिन डी पे डिपेंड करता है बॉडी में इनका एब्जॉर्प्शन तो अगर बॉडी में इनका एब्सॉर्ब्शन नहीं हो पाएगा तो बोन स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे क्योंकि हमारी बोन्स और टीथ किससे बने हैं बेसिकली कैल्शियम फॉस्फेट से जो कि कंपाउंड है कैल्शियम और फॉस्फोरस को मिलाकर तो हमें कौन से डिजीज हो सकती है इसकी कमी से रिकेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन करवी इज प्रिवेंटेड बाय बाइटमिन कर्वी किस वाइटमिन से प्रिवेंट किया जा सकता है तो अगर हम देखें तो स्कर्वी किसकी डेफिशिय डिए, होता है सी की डेफिशियंसी होता है से होता है तो अगर हम इसे डाइट में इंक्लूड करेंगे तो हमें डिजीज़ नहीं होगी इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तो इस तरीके से ये वीडियो एंड होता है अगर आपकी कोई क्वेरी या कोई सजेशन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं इस चैनल से बने रहिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स